जस्ट uh, फैंटासी uh, है कैसीनोस की, थोड़ी बहुत तो कभी कैसीनोस, uh, uh, 2009, 11 में कहीं, ऐसे ही सिंगापुर में कहीं, तो गए थे प्राइड में घूम रहा था तो uh, सम्मान अली भाई जस्ट कॉल्ड मी बोले आ जाओ बैठ जाओ इधर दे दस हजार और ये ले पोकर का uh, रूल्स है तो मुझे हाँ। आज, uh, तो मुझे बोला अगर तुम यहाँ सीख लिया तो फिर कहीं पे भी खेलेगा मतलब आप सिंगापुर हांगकॉन्ग लास वेगा कहीं पे भी खेल लोगे तो वो मुझे थोड़ा अच्छा चलो हैं। Then, फिर बोला स्टडी करना पड़ेगा ऐसे कोई ये मजाक नहीं है आप स्टडी yeah. कर लेना पढ़ाई करते हो तो, हो, तो यहाँ पे भी पढ़ाई करना पड़ेगा तो ही आप पास हो गए कोविड वगैरह सब आ गया तो एक्चुअल जर्नी तो यू कैन से नवंबर 20 से स्टार्ट हुई

Uh, अच्छी इनकम वाले इन इनक्रोर्स इनकम वाले के भी मैंने फाइल किया है तो है मतलब अच्छा लगता है कि ऑनलाइन में भी मतलब लाइक तो दिस मतलब, uh, so, like जो आपके पास आई हो ऐसे के ये प्लेयर्स को लेके या फिर कभी कुछ ऐसा पर्टिकुलर आपने देखा इनके रिटर्न फाइलिंग में कुछ यार ये कुछ लफड़ा लग रहा है या ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी कभी हुआ है कुछ

टीडीएस uh, काटा है 194 में जो है है हो जाता इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा देते हैं काफी फिर उसके नोटिस फिर रिफंड आना होता है कम आ जाता है फिर वो टेंशन में आता है वैसे ही काफी फिर प्रोफेशनली नहीं होता है थोड़े डिसिप्लिन नहीं रहता है तो लॉस में ही चलते अरे फिर वो रिफंड के लिए दौड़ जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पोकर प्लेयर जब कॉन्टेक्ट करते हैं और जब मैं उनके स्क्रू पूरा उनका इनकम टैक्स देखता वेबसाइट्स पे तो पता चलता बिकॉज समझ गया, समझ गया. Okay, uh, इतना, इतना इश्यू हो रहा था अबाउट पोकर एंड ऑल दिस ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग तो क्या आया था कि काफी सारे पोकर प्लेयर्स भी है जो बड़े वाले उनको नोटिस जा रही है अबाउट समथिंग फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

बट देन आपको एक्सपेंडिचर भी अलाउड है थोड़ा लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू है परचेस वैल्यू भी माइनस होनी चाहिए तो कुछ ज्यादा ही आपने क्लेम कर लिया जैसे आपने मान के चलो दस लाख कमा लिया और आपने क्लेम कर लिया नौ लाख और एक लाख पे टैक्स थर्टी परसेंट भर दिया तो फिर तो नोटिस आएगी थोड़ा Understood. जो भी आपका जेन्युअन आपने मतलब पोकर खेलने में कोई कोर्स किए है कुछ उसकी फीस दी है कुछ परचेस वैल्यू है

तो इतने क्वेश्चंस आए थे कि कि सब और अच्छा, ब, मैं आज ऑन अ पॉडकास्ट तो बताइए क्या क्वेश्चंस है बट 80% सबको यही था कि भाई दिलवा दिलवा दोगे दोगे क्या TDS refund क्या <laughs> so, <laughs> वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था uh, तो उसके पहले न्यू टीडीएस रूल्स आ गए राइट अभी नया टीडीएस रूल्स आए हैं जस्ट जनरली स्पीकिंग वॉट डू थिंक इज गोइंग टू बी उसका इम्पैक्ट ऑन अपना पोकर इंडस्ट्री क्या होने वाला है कि अभी भाई नेट विनिंग्स पे हो रहा है तो दस हजार रुपए की कोई बैकग्राउंड नहीं तो क्या लग रहा है ये सर गुड बैड कैसा है इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड काफी पहले मैंने बताया था कि एम्बिग्यूटी थी तो uh, जैसे अंडर सेक्शन 584 वहां क्लियरली लिखा था कि देयर इज इन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच इनकम एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस विल नॉट बी अलाउड इन डिडक्शन अभी तो तो आ गया, आ गया गया नेट विनिंग्स काफी अच्छा है काफी मतलब काफी अच्छा है मैं जैसे एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे आपने अप्रैल में कमा लिया करेक्ट और आपने विड्रॉ कर दिया तो थर्टी परसेंट दे दिया यस द द पॉइंट इज इज नेट नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम करेक्ट दैट न्यू रूल अंडर सेक्शन वन नाइन्टी फोर बी ए करेक्ट करेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल पहले था वन नाइन फोर बी फर्स्ट जुलाई से करने वाले थे अब थोड़ा उन्होंने जल्दी कर लिया तो अच्छी बात है अब जैसे अप्रैल में आपने विड्रॉ कर दिया थर्टी परसेंट दे दिया खत्म हो गई बात आ गया मई मई में आपने तीन लाख का लॉस किया ठीक है रुक जाओ आपने जून जून आ गया जून में पांच लाख का प्रॉफिट किया क्योंकि मैं पोकर से भी कनेक्टेड हूँ और टैक्स तो ये काफी मैंने कल इसको स्टडी किया तो जैसे जून में आपका पांच लाख का प्रॉफिट हो गया मई का लॉस तीन लाख तो दो लाख नेट हो गई दो लाख पे आपको टैक्स भरना है थर्टी परसेंट तो वैसे चलते जाएगा और अगर किसी ने विद्रॉ नहीं किया पैसा वही रखा तो कोई टीडीएस अभी नहीं कटेगा बट ईयर एंड कट जाएगा कट जाएगा course, क्योंकि ईयर एंड के ही काटेगी, काट देगी, जैसे समझो कि आपने पूरे साल में कोई विद्रॉल नहीं किया एट पॉइंट ऑफ विल सी वेदर व्हाट इज नेट विनिंग्स और इसमें गाइडलाइंस लाएंगी पर शायद जरूरत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटी वही आगा सिंपल यही टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा लोगों को अभी भी है मैं समझ गया इसीलिए कल मैंने थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी कर लिया और जैसे मैं पोकर में कनेक्टेड हूँ तो मुझे थोड़ी और क्लियरिटी होगी सो एग्जांपल अपन ये एग्जांपल वापस थोड़ा डिस्कस करते कुछ एक क्वेश्चन था जो लोगों का अप्रैल में मैंने कर दिया वन लाख का प्रॉफिट और मैंने कर दिया विदड्रॉ

टीडीएस डिफरेंट है TDS एक एक बेसिक समझ लो TDS आपका पांच लाख भी हो सकता है पूरे साल में और आपको भरने का का लाख भी आ आ सकता है तो बाकी का? तो आ हाँ, तो बाकी जाएगा टीडीएस अलग है अलग है आपका मतलब तो so जो लोग क्वेश्चन पूछते है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो so, आपने भले मल्टीपल विड्रॉल्स करके पूरे साल में समझो चार लाख का टीडीएस भर दिया है बट नेट ऑफ ईयर आप समझो आप नेगेटिव में हो तो आपको जीरो टैक्स भरना चाहिए बिकॉज नेट विनिंग्स तो आपकी जीरो है हा, हा, so, zan, तो जीरो है तो आप के एंड पे यू कैन ट्राई फॉर अ लाख रिफंड जो आपने टीडीएस भर दिया योर जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट वांटेड लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट यू नो की ये कैसे होता है इसमें जीता जाएगा क्योंकि स्टिल दैट 584 जो सेक्शन है वो स्टिल होल्ड करता है तो उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर uh, या अलाउड नहीं है एनी काइंड ऑफ अलाउंस तो वो थोड़ा बट अल्टीमेटली uh, काफी हमने से भी बात की है, है right. uh, राइट आप, आप बिकॉज right? आपने ही लिखा है winnings, तो के आ, तो कुछ है ही नहीं तो फिर नहीं नहीं वो नेट विनिंग्स इज फॉर टीडीएस अगेन आप थोड़ा सा वो टेक्निकल आप समझ गए थिंग राइट राइट हाँ तो वो थोड़ा सा बट अल्टीमेटली सी बिकॉज मेरी कोई इनकम नहीं है तो मेरा टैक्स पेबल जीरो आ गया तो उनको मानना ही है सीआईटी अपील्स और ट्रिब्यूनल में जीती जाएंगे चाहे हायर एट्स पे एक बार एक बार लोअर लेवल पे जैसे ऑफिसर्स है या सीपीसी लेवल में एक बार एडिशन हो सकता है बट अल्टीमेटली न्याय तो मिलता तो ही है। आप हो, तो, return तो, file तो उनकी बैंड तो 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 बच जाएगी तो आप जब रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेयर्स अगर उन्होंने कोई टीडीएस मैटर्स में गलती किया साइट्स ने तो उनको तो जेल भी होती हाँ, है हाँ काफी अगर आपको मालूम नहीं है तो सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट लोग तो आर उन लोग रहना पड़ता है ओके सो टी सो टीडीएस ऑफ वन साइड वर्सेस ऑफसेट ऑफ लॉस ऑफ अदर साइड एक साइड का लॉस एक साइड का प्रॉफिट है फर्क नहीं पड़ता है जो एंड की नेट इनिंग योर रिफंड करेक्ट करेक्ट ओके ऑसम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था थैंक यू फॉर दिस कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इफ मेरे को जिस जनरल क्वेश्चन है हाउ मच इज रियल मनी गेमिंग सेक्टर

कर, और बिजनेसमैन तो क्या है खर्चे डाल दिए ऑफिशियली खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया जी जी और उसमें टैक्स भरता है एडवांस टैक्स उसके हिसाब से भरता है और समझो कि और और सेक्टर्स में जैसे कमीशन इनकम हो गई ब्रोकरेज हो गई टेन परसेंट है टू परसेंट है फाइव परसेंट टी डी हाँ तो एक बार तो गवर्नमेंट को थर्टी परसेंट मिल गया correct. तो इनके लिए तो ये आ, मतलब मिल्किंग काव है बोल दो गाय है अच्छा इनको तो अच्छे से पालेंगे और जो जो इस हिसाब से जो पोकर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो, तो पैर ही पड़ेंगे पोकर इंडस्ट्री को लिख लेना हाँ। तो कोई जाने हाँ। को ही ही नहीं, चांस ही नहीं है कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है कई पोकर प्लेयर जैसे बत, और एक एग्जाम्पल जैसे पोकर प्लेयर्स रिटर्न ही फाइल करना गए अब उनको ड्यू हो गया जैसे पंद्रह हजार काट लिया बीस हजार काट लिया पोकर प्लेयर के दस पंद्रह हजार कोई मायने नहीं रखता उन्होंने भरना ही टैक्स रिटर्न कोई कारण से छूट गया गलती भी हो गई जो Correct. भी पकड़ लो तो पंद्रह हजार तो गवर्नमेंट को बैठे बैठे मिल गया ना राइट right. उनको Correct. तो ना रिफंड करना है तो ऐसे पंद्रह हजार लाख जन भी हो गए तो कितना करेक्ट करेक्ट कितना रेवेन्यू मिल गया तो तो गवर्नमेंट के लिए तो मिल्किंग का हो है। अच्छा खाली थोड़ा सा पुषअप जैसे प्रो है जो भी इंडस्ट्रीज में थोड़ा और पुषअप कर ले थोड़ा क्या हर चीज में मेहनत तो करनी ही पड़ती है

मैंने तीन लाख का टैक्स भर दिया है तीस टका तो सात लाख मेरा नेट विनिंग हो गया है नाउ माय क्वेश्चन इज कैन देयर बी अ टैक्स रिफंड ऑन दैट अगर मैंने प्रॉफिट किया है तो ये एक्सप्लेन अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया कि प्रॉफिट और लॉस करके नेट विनिंग्स मेरी जीरो थी और टीडीएस भरा है तो मेरा रिफंड हो गया अब यह है कि मैंने प्रॉफिट किया है और मैंने टीडीएस भरा हुआ है तो वो टीडीएस पे बिकॉज वो भी तीस टका बचाना है भले मैं प्रॉफिटेबल हूं तो मैं कुछ रिफंड ले सकता हूं क्या सिंपल है उसमें अगर कोई कॉस्ट लगी है वो इन, नेट विनिंग्स जैसे उसकी प्रॉफिट एंड जैसे उसमें कोई परचेज कॉस्ट है या कोई खर्चे हुए है तो आप बा, बात माइनस कर लो खर्चे डाल दो जैसे दस लाख के सामने आपने कोई तीन एक लाख का खर्चा किया है करेक्ट तो आपकी सात लाख की हो गई hmm. तो सात लाख पे जो टैक्स पेबल टैक्स पेबल आ गया जो आ गया सो आ गया और बाकी रिफंड आ जाएगा तो वो hmm. तो आपको जेन्यूनली उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट या उसके या वाउचर्सिडियो है, इतना, इतना है तो कोई ये नहीं है कि एडिशन ही होगा तो आप तीन लाख क्लेम कर लो एक्सपेंसेस जो भी है जो वैलिड भी है और सात लाख पे टैक्स पेबल आ गया और आपका टैक्स है दस लाख पे तो जो थर्टी परसेंट्रोक्स तो आपको

तो है ही नहीं, नहीं, correct, correct. Uh, तो ही नहीं, नहीं। आपका एक्सैक्टली तो सो exactly. so, अभी मैं प्लेयर की बात करता हूँ uh -huh. अभी ये बंदे ने टेन लैख्स का प्रॉफिट uh -huh. कर दिया उसका तीन लाख कट गया टीडीएस में अब वो यहाँ क्या एक्सपेंसिस uh -huh. दिखा सकता है जैसा आपने कहा चलो जेन्यूनली अभी इन क्या हुआ है अपन ऐसी फेक कंडीशन रखते हैं कि सकता है वो गलत बात हो गई जो जो किया हाँ, है जो किया है, है तो इन्फ्लेटेड हो गया जो वो नहीं वो ऐसे गलत तो अपन नहीं होना चाहिए नहीं, वो सोशल प्लेटफॉर्म हाँ हाँ जो जेन्यून है काफी सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं कई मीटिंग्स हाँ हाँ कन्वेंस हो सकता है जैसे nice. कोई प्रो को मिलने गए उनसे गाइडेंस लेने गए आप मुंबई में हो बेंगलोर में हो आपने फ्लाइट्स uh, का खर्चा कर लिया होटल का खर्चा कर लिया उससे उससे अपॉइंटमेंट ले उससे सीखने के लिए, तो ये तो सब जेन्यून हो गए ना कि भाई मुझे आगे बढ़ना है कुछ कंपनी का नेम या कुछ वो सब नहीं आपका जेन्यून खाली वाउचर होगा

तो वहां पे टैक्सी वाउचर्स जो भी खर्चे हो गए होटल के एंटरटेन हो गया होटल के बिल्स तो यस वेरी नाइस इम्पोर्टेंट कोचिंग बेस्ट मतलब सीधा डायरेक्ट ही एक्सपेंस हो गया करेक्ट 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 बिकॉज यू पे बाय थ्रू योर बैंक चैनल्स सो वो तो काफी डायरेक्ट हो गया और उनके इनवॉइस भी आ जाते हैं uh. परफेक्ट सो आई थिंक दिस इज अ वेरी टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं मैंने इतना टीडीएस किया और इसमें लेकिन hmm. जैसा आपने कहा था कि लिमिटेड अभी ये मौके का फायदा उठा के आपने अभी दस लाख की इनकम पे आठ लाख के एक्सपेंस दिखा दिया तो फिर नहीं चलेगा लाइक जो आपने जेन्युनली किया है वो करो थोड़ा आर्ट कंसल्टिंग मिस्टर जयेश जयेश भाई को कंसल्ट करके आ, करो <laughs> सो तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम यस 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 ओके पेनल्टी ऑन टी डी एस की चोरी कैसे और कैसे चोरी होती है और पेनल्टी टी डी टीडीएस की चोरी तो साइट करेगी वो तो कर हम तो क्या कर सकते पोकर प्लेयर uh, तो टीडीएस की कोई चोरी नहीं uh, मतलब वो तो टीडीएस तो मैं ले रहा ले रहा भी क्या कर सकता है बट uh, आप एक्सप्लेन करिए साइड क्या कर सकती है नहीं साइट तो करेगी नहीं ना मैंने पहले भी बताया साइट हाँ। तो कोई टीडीएस तो वेरी स्ट्रिक्ट लो हाँ हाँ काफी जन को जेल भी हुई है if, if जैसे पोकर से दो लाख का टीडीएस काट दिया और नहीं किया, तो जेल जाते हैं डायरेक्टर्स हाँ, uh, uh, काफी uh, uh, तो जैसे एक एक मेरे को पता है एक साइड जहां अगर मैं दस हजार तक का विड्रॉल कर रहा हूं ना तो मुझे

अब आ, प्लेयर्स लोगों ने मौके का फायदा ले लिया या साइट ने ले लिया तो चल गया सो चल गया अब उनके पास उतना मेरे मेरे व्यू से उतना मैन पावर नहीं है कि उसको ट्रैक करे और वो हो जाए मतलब, हाँ, तो हाँ, मतलब तो वो हो 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 गया 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 सो मतलब कई लोगों ने दो लाख दो लाख विड्रॉ कर लिए हो गया अब उतना डिफिकल्ट है क्योंकि लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पोकर प्लेयर्स है अब उतना नोटिस जा नहीं सकता इतना मुझे डाउट है डिफिकल्ट है ना

अब नहीं नहीं किया तो जब तक अगर पकड़ा है, नहीं जाएगा तो वो फ्री हां आई विल नॉट पुट यू इन अ स्पॉट मैं आपको जब तक गलत नहीं किया करे करे नहीं, नहीं नहीं वो अगर अगर वो नहीं बता रहा है कोई भी कारण से तो अगर जब तक पकड़ा नहीं गया तो वो फ्री है उसमें कोई मतलब वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई अगर पकड़ा गया तो फिर हैवी पेनल्टीज है देयर आर 3 टू 4 पेनल्टीज है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इवेजन ऑफ टैक्स थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स फिर तो उसको आंख में पानी आ जाएगा कि मैंने क्यों ये अगर वो कहीं पकड़ा गया तो वो समझ एक मान के चलो कि उसने पचास हजार का टैक्स चोरी किया है तो उसको मेरा व्यू ऐसा है कि मिनिमम वो दो लाख रुपया देके ही छूटेगा चार गुना क्योंकि तीन चार साल बाद ये सब प्रोसेस में तीन चार साल लग जाते हैं अब तीन चार साल में वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है फिर ये जैसे पेनल्टी मैंने बताया थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इवेडेड मिस रिपोर्टिंग उसकी एक अलग पेनल्टी है मिस रिपोर्टिंग की अलग पेनल्टी है अंडर रिपोर्टिंग की अलग पेनल्टीज है तो तो उसको आंख में पानी आ जाएगी <laughs> मैंने ये गलती क्यों किया वाह 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 नाइस व्हाट थिंग्स

जेन्यून जो भी खर्चे है उसको अलग से नोटिंग करके रखो उसके अलग से एक फाइल बना के रखो डिजिटली uh, तो रखो ही जैसे कंप्यूटर है लैपटॉप है बट uh, अगर पॉसिबल है तो उसको एक अलग से हार्ड कॉपी भी बना के रखो uh, हाँ और बाकी तो इनकम क्लियर है बस उसके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिकली वही खर्चे जो खर्चे अपने एक्सपेंसेस है अपने जो परचेस कॉस्ट है

जितना मेरा क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल नहीं है ना लीगल क्लैरिटी नहीं है कई लोग फंसे हैं मतलब ये तो ओ, बहुत दुख की बात है हाँ, हाँ, शायद आपको पता होगा या नहीं पता हाँ, है तो जैसे क्या होता है भाई तीन सौ डॉलर चाहिए अब मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिया उसने तीन सौ डॉलर नहीं दिए हाँ 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 वो तो पता है मुझे राइट पता है हाँ वही मैं हाँ, तो ये तो बहुत सोर्सेज है जो लोग करते हैं ये चीज बट विनिंग्स के ऊपर क्या है विनिंग्स की स्टोरी क्या है वो अब तक यस 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 नो वरीज

बट आपने टैक्स प्लानिंग का आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि यू रिकॉर्ड ऑल योर एक्सपेंसिस इन सच यू कैन सेव पेड आई हैव गॉट ऑल दीज क्वेश्चन काफी ज्यादा uh, इतनी क्लैरिटी इन सच अट थर्टी मिनट से अमाउंट ऑफ क्लैरिटी ऑन सो मेनी टॉपिक्स यू नो जैसे मुझे इतने लोग पूछते हैं कि टी डी एस रिफर्ड कैसे होता है कैसे होता है एंड

So, like, but okay. How does someone approach you, and how do they work with you? Because if they want to do that, so many people will be watching this. What if you can just tell us, and how do you go about your entire process? Uh, no, no. My mobile number is there. I am accessible. Uh, my email IDs are there. So uh, on Messenger, email. they can they can uh, on uh, Facebook Messenger they can message me. Uh, so many communications, or they can approach you, and then you can forward whatever. So it will it will add your, to your your value also that you have.

एवरी क्वार्टर इफ वी कैन डू दैट वन अवार्टर इफ यू कैन मूव समाइम लोगों को अलग अलग चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी विच इज वेरी गुड बिकॉज ये भी मेरा एक पॉइंट था इनफैक्ट रह गया कि लोग पहले जो टी डी एस का इश्यू था वो दस हजार का तो उसके चक्कर में काफी लोग कल्यूशन करते थे एक और अकाउंट बनाया फिर चिप डंपिंग करते थे और आठ हजार रुपये वहां से निकाला दस हजार नहीं किया तो उसके चक्कर में उनका टैक्स कट जाता था उनके उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था उसके चक्कर मेंल्टी अकाउंटिंग करते थे Uh, अभी वो नहीं होगा अब तो अब तो एक ही एक 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 ही 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 के साथ वफादार रहो क्या टेंशन है 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 नेट विनिंग्स पे गर्लफ्रेंड exactly. रखो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है. <laughs> एक ही वा, एक ही वाइफ रख लो जो भी ठीक बढ़िया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम एंड जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग एक सेकंड फाइन